कीमती प्रजाति है। इनकी जो अपनी नर्सरी है वो विश्व स्तर की नर्सरी है। हम सारे लोग हमारे यहाँ से काफ़ी अधिकारी की हमने टीम वहाँ भेजी थी, वो सारे लोग हम विजिट करके आए हैं। तो हमने देखा कि मुझे लगता है कि इस नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी उन्होंने नर्सरी वहाँ तैयार कर रखी है। आज ये हमारे किसानों को, इससे पहले हम तलवाड़ा क्लस्टर में थे, अब हम मझेड़ क्लस्टर में पूरी टीम, हमारी पूरी टीम इनके साथ और किसानों के साथ आई है। ये सारे मझेड़ के बागवान हैं जो कि यहाँ पे सारा अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज हम इनको ये जो संतरा का पौधा है इसकी कांट छांट कैसे की जाए, कांट छांट करने के बाद इसमें किस तरह की खादें हम देंगे और इसके पूरे रख रखाव के लिए क्या क्या हमें करना है, उसके बारे में डॉक्टर पूनिया जी से जानकारी लेंगे और अपने किसानों के साथ शेयर करेंगे। इसके बाद हम चाहेंगे कि हमारे बागवान हमारे सामने दो दो चार चार पौधों की अपने आप ट्रेनिंग करें ताकि उनकी बढ़िया से इस तरह की तकनीक को सीख सकें। डॉक्टर पूनिया जी, आप हमें डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे कि आप इस प्लांट की जो ट्रेनिंग करेंगे या ट्रेनिंग करेंगे, क्यों काटेंगे, कहाँ से काटेंगे, उसके बारे में आप जानकारी। जब भी आप नया पौधा लगाते हो तो 6 महीने बाद जब वो चलना शुरू हो जाता है तो प्लांट आपने कहीं से भी लिया हो उसमें वाटर शूट कैनिया, जिसको हम देसी भाषा में गुल्ले भी बोलते हैं, वो हर प्लांट में निकलते हैं। अगर इनको नहीं काटेंगे टाइम पे तो इनकी ग्रोथ इतनी हो जानी है, अभी दूसरा जो पौधे का दूसरा भाग है वो वहीं रुक जाता है। नीचे से खाद पानी का कनेक्शन सिर्फ इस सिंगल टहनी से हो गया, जिसकी वजह से इसकी कम से कम 5.5 फीट हाइट है, दूसरे पौधे की कम से कम 1.5 से 2 फीट हाइट है। इनको काटना बहुत ज़रूरी है और काटना भी वहीं से है जहाँ से ये चली है। अगर आपने बीच में काट दिया, एक प्लांट में 4 वाटर शूट टहनियाँ हैं, चारों को बीच में काट दिया तो आने वाले टाइम में वो 4 की जो प्रॉब्लम है वो 40 हो जाएगी। तो जड़ से इसको काटना है। जब इसको काट दोगे तो पूरा का पूरा प्लांट ग्रोथ करेगा। हमें प्लांट की हाइट कम चाहिए, फैलाव ज़्यादा चाहिए। जितना कम हाइट होगी, फैलाव ज़्यादा होगा, उतना फ्रूटिंग ज़्यादा आएगी। और आने वाले टाइम में अगर ये वाटर शूट टहनी आपके प्लांट में नहीं है, आपकी नंबर ऑफ स्प्रे कम हो जाएगी, आपकी फ्रूट की क्वालिटी अच्छी बनेगी, जिससे आपको मार्केट में दाम अच्छा मिलेगा। और सबसे जो अहम बात वो ये है, जब फ्रूटिंग पे आपका प्लांट आएगा तो आपको उसको सपोर्ट देने के लिए बेम्बो के बांस की सपोर्ट नहीं लगानी पड़ेगी। अदरवाइज किसान के ये ज़्यादा टहनियाँ है, अगर आप सपोर्ट नहीं लगाओगे तो टहनियाँ टूट जाती है। सपोर्ट लगाते हो तो बांस परचेज करने में आपका पैसा जाता है, मेहनत का, लेबर का आपका पैसा लगता है और फ्रूट वो कहेगा आपका मार्केट में बिकेगा नहीं, ओवर साइज आपका फ्रूट आएगा, स्प्रे आपकी बंद नहीं होगी, हर तरह से आपको नुकसान है। तो इसके प्लांट के अंदर मैं भी ये टहनी आपको काट के बताऊंगा, उसके बाद आप देखना भी प्लांट की कंडीशन आपको कैसी लग रही। और कोई भी खाद पानी आप ड्रिप से देते हो, एक तो ड्रिप में पहले पानी चलाना है, उसके बाद खाद चलाइए, दवाई चलाइए, उसके बाद फिर उसको पानी से साफ करके ड्रिप को लाइन को रखना है ताकि उसमें कोई खाद है दवाई है जमे ना। जब भी आप स्प्रे करते हो सुबह जल्दी स्प्रे करनी है, जिस टाइम पत्तों के ऊपर ओस हो, पानी हो, तो जैसे ही आप धुएं टाइप स्प्रे करोगे पत्ते के ऊपर पड़ेगी, वो पूरे पत्ते पे फैल जाती है। दिन में आप धूप के अंदर स्प्रे करते हो तो कोई इंसेक्ट पेस्ट धूप के कारण पत्तों के ऊपर बैठा नहीं होगा। तो आप सोचोगे भी हमने स्प्रे की, रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट तब मिलेगा जब इंसेक्ट पेस्ट उसके ऊपर बैठा होगा। तो सुबह जितनी हर इंसेक्ट पेस्ट जितने भी है वो सुबह ओस के अंदर उड़ नहीं सकते, तो आप कोई भी स्प्रे करोगे तो 100% किल होगा। तो ये छोटी छोटी बातें। उसके बाद हर फलदार पौधे का खाद देने का एक टाइम भी फिक्स है और उसकी डोज भी फिक्स है, भी उम्र के हिसाब से कितनी दी जानी वो हम डॉक्टर साहब को बता देंगे, भी एक पर प्लांट एक पूरे साल का दे देंगे भी कब के आपने क्या डाला। मेन जो इसका आगे फरवरी मार्च में जब फ्रूटिंग आती है आपकी, इसमें भी आएगी। तो अब आपने 15 दिसंबर के बाद जब आप कटाई करो, कटाई करने के बाद आपने देसी खाद डालनी है, 1 साल पुरानी काले रंग की, सिंगल सुपर फास्फेट डालनी है, पोटास डालनी है, जिंक डालनी है, वो मैं बता दूंगा अभी आपकी प्लांट की उम्र क्या है, कितनी डलेगी। इसके बाद जो यूरिया नाइट्रोजन की डोज है, जिसको हम यूरिया से पूरी करते हैं, वो 15 फरवरी को डाल के, और आपने लास्ट पानी 15 फरवरी को देना है, जो बाग आपके फल के ऊपर है। उसके बाद आपने पानी रोकना है, वो कब तक रोकना है, जब तक उसमें छोटा दाना नहीं बन जाता। अगर आप पानी रोकोगे नहीं, लगातार पानी दिए जा रहे हो, तो जितनी ज़्यादा नमी होगी फ्लावरिंग आएगी नहीं, और आएगी तो वो रुकेगी नहीं, ड्रॉप हो जाएगी। एक तो ये ध्यान रखना है, अभी 15 फरवरी के बाद जब तक दाना ना बने पानी नहीं देना है। दूसरा, जैसे ही 25 फरवरी के आसपास टेम्परेचर हाई होता है, दो चीज़ें इकट्ठी आती है, एक तो फ्लावरिंग आएगी आपकी और दूसरी बीमारी भी साथ आ जाती है, जिसको सिट्रस सिल्ला बोलते हैं। तो पहले किसान स्प्रे करता नहीं जब तक बीमारी नहीं है,
तो उधर से क्या हुआ कि जैसे ही फूल स्टार्ट हुए सिट्रस सिल्ले का अटैक साथ ही साथ आ जाता है। फिर उस कंडीशन में अगर आप स्प्रे नहीं करते हो तो बीमारी उसको खा जाती है फूलों को, और करते हो तो स्प्रे से फूल आपके ड्रॉप होते हैं। तो फूल स्टार्ट होने से 3-4 दिन पहले आप अपने खेत का डेली चक्कर लगाइए। भी आपको लगता है अभी 2-4 दिन में फूल टेम्परेचर बढ़ रहा है और फूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो फूल आने से पहले कोई भी सिस्टमिक दवाई जैसे इकतारा है, कॉन्फिडोर है, इथियोन है, उसको स्टिकर साथ मिला के आपने स्प्रे कर देनी है। ताकि हमारा मकसद है भी फूल भी हमारे बचे रहें और पौधा बीमारी से भी, फूलों को बचाना और बीमारी से उसको कंट्रोल करना है। मान लो आपने स्प्रे भी कर दी, फूल आए, उधर से बीमारी आ भी गई, कोई तेला चेपा कोई भी बीमारी आ गई, तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है, एक तो गन को दूर करके ऊपर से स्प्रे करें या दूर करके फोग टाइप स्प्रे करनी है। हमारा मकसद फूलों को बचाना और बीमारी को कंट्रोल करना है। अगर आप पावर स्प्रे से कोई हिट करोगे तो बीमारी से नहीं जड़ेंगे, तो वो स्प्रे से जड़ते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी। अब मैं इस टहनी को काट के आपको दिखाता हूँ एक्चुअल आपके प्लांट की कंडीशन क्या है। ये पौधा है हमारा एक्चुअल में एक साल के पौधे की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो एक्चुअल ग्रोथ ये है। उस टहनी से खाद पानी स्पेशल का कनेक्शन, नीचे से जितनी खाद पानी उस टहनी से जुड़ गया, ये प्लांट यहीं रुक गया, वो बढ़ता गया। एक साल और नहीं काटोगे तो वो 15 फीट को क्रॉस कर जाए। आप किसी भी प्लांट के ऐसे दो प्लांट कोई छांट लो, एक वो सामने वाला प्लांट है उसके कोई आइडेंटिटी लगा दो, आप कोई रिबन बांध दो, कपड़ा बांध दो, उसको नहीं काटना है, इसका और उसका कंपेरिजन करना भी आपको लगेगा अभी कौन सा प्लांट। तो इस तरह हमने कटिंग करनी है ताकि आने वाले टाइम में ना हमें सपोर्ट लगानी पड़े, नंबर ऑफ स्प्रे भारी कम हो और फ्रूट की क्वालिटी अच्छी बने जिससे आपको दाम अच्छे मिले।